अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शिफा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, खुश रखे। दुआ देना शुरू कर दें आज तो ब्लॉग। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किया करें, फिर अच्छा से कमेंट किया करें, लाइक किया करें। सब लोग मिलजुल कर काम करें। अगर हम यूट्यूब फैमिली एक ही है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं बनता किसी का, कोई किसी का साथ नहीं देता। हर बंदा जो है अपने अपने मतलब में लगा हुआ है। हर बंदा ये कहता है मैं हर एक हर किसी से आगे निकल जाऊँ, और किसी का कोई ख्याल नहीं, बस कोई किसी का ध्यान नहीं, कोई मिल। ये जो है बड़े जालिम लोग हैं, दुनिया बड़ी जालिम है। बस बेहतर ये है कि इनसे दूर हो जाएं, अलहदगी इख्तियार कर लें, तनाई इख्तियार कर लें, तनाव हो जाएं। इससे बेहतर है कि लोग आपको मेहने दें, ताने दें, आप जो है जो ना अपनी ज़िंदगी में गुम हो जाएं। वो गुम हो गए तो आप भी गुम हो जाएं। मेहने ताने सुनने से बेहतर है कि आप जो है ना हर चीज़ का जवाब चाहिए इनको। ये चीज़ कहाँ से आई, ये कितने की है, ये कितने की है, ये चीज़ कहाँ से आई और क्यों आई, कौन लाया है। बेहतर है तनाव हो जाए, बस लियादगी तैयार कर ले। अपने आप को बीमार करने से बेहतर है कि अलग हो जाए, तनाव हो जाए, तनाई अख्तियार कर ले। हाँ, बीमार बूढ़े बने हैं, कोई मिले, कोई आपसे मिले, खुश दिली से मिले, प्यार से मिले, हमदर्दी करे तो ठीक, वरना बस तनाव हो जाए। इससे बेहतर है इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं, हर बात को सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें। ये यूट्यूब फैमिली है, ये कोई किसी के साथ नहीं देते, कोई किसी के मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं, आते नहीं है, जाते नहीं। हर बंदा अपने जो है ना नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर बंदा लगा हुआ है कि मैं जो है ना आके पढ़ जाऊँ, ये मैं जो है ना मैंने तंग किया हुआ है, और ये मैं जो है ना ये बड़ा तंग करती है, और बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है। इंसान मेहनत करता है सारी ज़िंदगी, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, किस लिए? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। जब फैमिली नहीं रही तो फायदा, बेहतर है कि आप जो है ना अपनी थोड़ी सी जिंदगी बना लें, उसमें मगन हो जाए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली ये भी नहीं मेरी मदद करते भी, कोई किसी का नहीं, ना लाइक देते, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कोई नहीं किसी का, यहाँ कोई किसी का नहीं बनता। क्यों आप लोग ऐसे करते हैं? मिलजुल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, सब बहन भाई हैं, एक दूसरे के बहन भाई हैं। कुछ बड़ी बहनें हैं, कुछ छोटी बहनें हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कोई कोई बच्चे हैं, वो बहन भाई हैं दोनों। वो बनाते हैं खाना, बनाते हैं अच्छा खाना, बनाते हैं तो दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। उनका चैनल है, उन्होंने वो जब वो लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं, बड़े लगे हुए हैं, बूढ़े लगे हुए हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं, उनको करने दें। जो भी है वो बस अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दें, क्यों आप पैसा लोग करते हैं। और ये मैं गई तो छोटे छोटे क्लिप हैं तो भी खराब थे, छोटे छोटे क्लिप ये मैंने बना ली है। ये देखे परिंदे बैठे हुए, आजकल गर्मी है, परिंदों को इनका ख्याल रखें। ये आते हैं आपके घर, आते हैं, ये देखें इनसे, यहाँ को प्यार मिला है तो आए हैं ना। ये देखें बैठे हुए इनके दरवाजे पे, इनके लिए पानी रख दें, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा, आप भी मुतमइन हो जाएंगे। ये दोनों मियाँ बीवी है इंडिया में, वो तोता
हैं, परिंदे हैं, उनको पानी डालते हैं, उनको खाना देते हैं। तो आप पता नहीं 100 200 300 वहाँ पे वो इकट्ठा हो गए हैं, परिंदे डेली आते हैं, उनके छत पे आते हैं, वो उनको खाना देते हैं। उन्होंने कहीं आना बजाना भी छोड़ दिया है, कहीं भी नहीं जाते, ना आते हैं ना जाते हैं ना कहीं, बस वो घर रहते हैं। उनको खाना देने के लिए हर वक्त उनको फिक्र होती है, वो आएंगे तो खाना उनको देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, अल्लाह ताला भी खुश होंगे। गर्मियाँ है ना, गर्मियों में छत पे रख दें, कोई प्याला रख दें, मिट्टी का कोई बर्तन रख दें, उसमें पानी डाल दें, आएंगे और पानी पिएंगे और खाना खाएंगे, खाना में थोड़ा बहुत रख दिया कर, खाएंगे, खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, वो भी मुतमईन हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। सफाई का ख्याल रखा करें, देखिए बस जहाँ पर इंसान रहता है और जहाँ पे इंसान बसता है, वो उसको फिक्र होती है, सफाई करता रहता है, कोशिश करता है। ये छोटे छोटे तबीयत भी खराब थी, छोटे छोटे क्लिप में मैंने बना लिया, तो मैं ताकत ही करूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो ये सफाई तो करनी है ना, सफाई नहीं सभी ईमान है, और हर चीज़ जो है ना साफ करनी चाहिए, साफ रखें। तो ये मैं पाकिस्तान से लाई थी, अपनी कमाई का यही तो फायदा है ना, कि मैंने कपड़े बना लिए अपने ढेर सारे, यहाँ लिए 2 3 लिए यहाँ से, लेकिन इतने गंदे थे ना वो, चिकन जाने के, बस नहीं पहने मैंने। सिलाई भी करवाए, सिलाई भी वैसे उन्होंने की इतनी गंदी, 13 पाउंड ले ली और सिलाई भी गंदी करके दी। ये हम सारे थे जाने वाले थे, उन्होंने अपने सूट लिए हैं, ये मैंने कहा ये ले लूँ गर्मियों के, ले लूँ गर्मियों के लिए, फिर सर्दियों के लिए, फिर सिलाई करवाएं, फिर बाजारों में फिरते रहे, फिर कपड़े कोई नहीं थे, बिल्कुल ही बिल्कुल जो है ना कपड़े फट चुके थे। पहले स्कूल जाती थी तो बनाती रहती, 2 3 गर्मियों के बना लिए, 2 3 सर्दियों के बना लिए, अपनी मर्जी से ले लिए, तो लिए कपड़े लिए बस। ये पाकिस्तान में वैरायटी भी काफ़ी होती है, तो वैरायटी काफ़ी थी और मैंने ली है, और कपड़े लिए हैं काफ़ी हद तक। और मैंने कहा कि चलो जी कपड़े पहनते हैं, कपड़े लिए हैं, तो क्योंकि कपड़े भी ना हो तो अब जिंदा तो रहना है ना, जीना तो है कि कपड़े जिंदा रहने के लिए, तन पे कपड़े भी तो पहने, दिल तो कोई नहीं करता, लेकिन बस बंदा कहता है कि कपड़े ले, वहाँ वैरायटी ज़्यादा है, कपड़े अच्छे हैं, लेकिन महंगाई बहुत हो गई। जो कपड़े आपको मिल जाते थे 700 800 का सूट मिल जाता था, 1200 1300 का सूट मिल जाता, वो 4 5 हज़ार का हो गया, लेकिन क्या करें, लेने तो थे, बिल्कुल ही कपड़े नहीं थे, तो ना गर्मियों के थे ना सर्दियों के। अब लिए तो इंसान, मैंने कहा चलो पहन लेते, और किसने देखने, यही लेते हैं और पहन लेते हैं, बस आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो इस्त्री कर लेते हैं थोड़े बहुत, सीधे कर लेते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, चुड़ मुड़ हो जाते हैं, तो फिर बंदा कहता है उसको कर लें, इस्त्री कर लें, पहन लें, क्योंकि ये जो है फिर किचन में तो पहन के बंदा जाए तो एप्रन पहन लिया करें, मेरी तरह क्या करें, अब कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर दुख होता है, इतने महंगे कपड़े, हमने जाना किधर है कपड़े पहन के, किधर जाना है हमने, किचन ही जी जाना के जाना किथे, कपड़े पा के नवे नवे किचन ही जाना, और किधर जाना,
तो किचन में जाए तो पहन लिया कर, आगे अपन पहन लिया कर, रोटी पकाई मैंने तो रोटी पका ली मैंने, मैंने कहा चलो रोटी बना लेते साथ आपके साथ शेयर कर लेते, लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और इंसान का हिम्मत बन जाती है इस, ना कोई लाइक्स मिले ना कोई सब्सक्राइब करे, तभी दुख होता है जब देखती हूँ वहाँ टाइम भी कोई नहीं मिला, दिल दुख से भर जाता है, इतनी मेहनत भी की आप लोगों के साथ, मेहनत भी करते हैं लेकिन कोई नहीं फायदा कोई, बस ख्वाबों की दुनिया ही रहने हैं, ख्वाब देखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल जो है सब कर हमारा होगा मोनेटाइज होगा, फिर जो है पैसे मिलेंगे, फिर हम शॉपिंग करेंगे, हम कपड़े लेंगे, तो इतनी कोई पता भी नहीं है चैनल होगा हमारा, होगा भी या नहीं होगा, और कब्र में चले जाएंगे, पहले एक बनाया था वो भी बस खराब हो गया, फिर एक और बनाया, फिर वो भी ऐसे ही कोई नहीं, वहाँ टाइम ही नहीं मिला, फिर वो भी बंद करना पड़ा, तो आप लोग जो है कोई हेल्प किया करें मेरे, आया करें चैनल पे, आया करें मिलजुल के काम करें हम सब, मैं तो चाहती हूँ सारे मिलजुल के काम करें, सारे जो है आपस में बहन भाई सारे सारे मिलें जुलें मिलजुल कर काम करें, पर कोई नहीं इधर कोई नहीं मिलता जुलता, कोई अपना नहीं है, ये फ्रॉड की दुनिया है, सारे फ्रॉड ही निकले, कोई भी अपना नहीं बना, बस इससे पहले भी लोग जो है वो दिन गुजारते हैं और उसने उन्होंने दिन गुजारे हैं, वो चले गए हैं दुनिया से, इस तरह हमने भी चले एक दिन चले जाना, हमारे कौन से बाप की जगह ही रहे, इधर ही जिंदगी हम जितनी गुजारनी है गुजार के चले जाएंगे, हमने भी जाना है एक दिन, सारे इतने बड़े बड़े आए हैं, बादशाह आए हैं, आलम फाजल दुनिया के बंदे आए हैं, उन्होंने हुकूमतें की हैं, सदर वजीर आजम अपना निभा के चले गए, हमने भी चले जाना, हमने कौन सा इधर ही रहना, तो बस थोड़ी सी जिंदगी इसको हंस खेल के गुजारे, पता नहीं लोग इतना क्यों करते हैं, इतना कमाते हैं, कमाई के पीछे लगे हुए, कमाई कमाई कमाई, पैसा पैसा पैसा, वो लोग भी हैं जो दो वक्त कमाते हैं खाते हैं और जिंदगी गुजार देते हैं, आजकल तो लोग बस घर हो कोठी हो बड़ी सी, फिर गाड़ी हो बंगला हो, बंगला चंगला बना गए थे, बनना का कोई नहीं फायदा, बस ये जिंदगी है ना, अल्लाह ताला की याद में गुजार रहे हैं, बस अल्लाह को याद करते रहे, कुरान पढ़े नमाज पढ़े अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, बस अल्लाह अल्लाह खैर चलो, काम खाई क्यों मेरी इधर टेंशन में पड़े रहते हैं, सारी जिंदगी नौकरियां की, सारी जिंदगी कमाया अपना ही खाया, फायदा क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं, बस इससे बेहतर है अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह ही अल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करते रहें, नमाज पढ़ें कुरान पढ़ें, थोड़ी सी वाक कर लें, थोड़ा थोड़ा घर का काम कर लें, थोड़ा इधर उधर अपनी टीचरों से अपना जो है गपशप मार लें,